नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेक योर लाइफ इजी टेक्निकली में। आज हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसमें आप एक्सेल में किसी भी वैल्यू के साथ आप डॉट सिंबल को यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप जो डॉट सिंबल है वो HTML बेस्ड होता है, ये आप अपनी जो बॉडी ऑफ द ईमेल में यूज़ करते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करते हो। लेकिन हम आपको आज एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हो। कभी भी आपको किसी भी तरह की ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो आप वैल्यू के साथ डॉट यूज़ कर सकते हो। अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जैसे राहुल, अजय, विजय नाम है, तो इनके साथ नेक्स्ट जो है कॉलम पे विद डॉट वैल्यू हमने आपको दिखाई। तो ये कैसे करते हैं, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने कुछ डेटा लिया हुआ है और हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हो कि हाउ टू ऐड बुलेट पॉइंट्स यूजिंग कैर फंक्शन। सो ये एक फंक्शन है, कैर फंक्शन, जिसका यूज करके हम अभी डॉट का सिंबल यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो सिंटेक्स में मैंने सिंटेक्स दिया भी हुआ है कि क्या सिंटेक्स है फॉर्मूला का। तो ये अभी जो नेम है राहुल, अजय और विजय, इसके साथ हम जो है वो डॉट फंक्शन अभी यहाँ पे प्रिंट करेंगे। यानी अगर किसी को भी या कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि भाई डेटा के साथ यानी कोई भी वैल्यू के साथ डॉट चाहिए, तो उस ये वाला फंक्शन है जो भी सिंटैक्स में मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कैर फंक्शन, तो ये इसके थ्रू हम इसमें जो है प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल अभी मैं ये कैर आपको वहाँ पे टाइप करना है, 149 करेक्टर्स हैं, तो ये एक फंक्शन है। इसके साथ एंड सिंबल डालना है। एंड सिंबल बेसिकली कॉन्केटिनेट ही ऑप्शन का ही होता है। अब यहाँ पे मैंने स्पेस ली है, फिर एंड फंक्शन एंड का सिंबल डाला है और उसके बाद मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर ली कि कहाँ से कहाँ तक दिखाना है। तो अभी देख पाओगे कि जो ये डॉट फंक्शन डॉट सिंबल वैल्यू के साथ आ चुका है। तो अगर सिंपल आप ये कैर 149 करके एंटर करते हो तो ये सिंपल एक डॉट प्रिंट कर रहे हैं। फिलहाल सिर्फ डॉट का तो कोई भी यूज़ नहीं होगा। हाँ, कंडीशन ऐसी हो सकती है कि कोई वैल्यू के साथ डॉट चाहिए तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम यहाँ पे जैसे फुल स्टॉप करते हैं तो वो डॉट नहीं है, डॉट इन द सेंस यानी ये डॉट फंक्शन नहीं है, वो फुल स्टॉप यानी बॉटम में दिखता है सेल के साथ और हाईलाइटेड यानी बोल्ड भी नहीं है। तो इसे इसकी जगह ये स्पेसिफिक एक फंक्शन है कैर फंक्शन, कैर फंक्शन विद कॉन्केटिनेट एंड जो सिंबल है वो कॉन्केटिनेट ही है। तो उसमें उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो वहाँ वो हमें वो प्रिंट करके देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अभी मैं मार्क्स के साथ यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। ये बेसिकली कॉन्केट की तरह ही काम करेगा एंड, और यहाँ पे मार्क्स भी है, तो यहाँ पे आपको मार्क्स के साथ भी वो यहाँ पे फंक्शन जो डॉट है वो वैल्यूज दिख देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो उस समय आप इसे यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ है और आप ये अपने सिस्टम पर ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि जितने भी मैं आपको फंक्शंस बताता हूँ वो आप अपने सिस्टम पे एक बार ट्राई जरूर करें, तभी आपको जब हैंड्स ऑन करती हो किसी भी काम के लिए तो आपको जल्दी सीखने को मिलता है। इस ये वाला जो फंक्शन है इसे यूज़ करिएगा कोई डमी डेटा लेके, और अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और हमारी आने वाली वीडियो देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहे। थैंक्स।